तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात करने वाले थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। तो हम उन फैक्टर के बारे में बात करने वाले थे जो किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसको अफेक्ट करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम उन फैक्टर के बारे में बात करने वाले थे जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है आपका टेम्परेचर, तो देखेंगे कि टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ में किस तरीके से रेट कांस्टेंट में चेंजिंग आती है, इसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें टेम्परेचर, तो अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। आप जानते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज किए वैसे ही रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। रिजल्ट विल बी, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पार्टिकल की या मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्शन में, तो रिएक्शन में आपके कौन पार्टिसिपेट करता है? तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि तो आपको पता है जो आपका किसी भी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह कितना होती है? हाफ के बी टी। के बी क्या है? के बी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या आप यहाँ पे अगर पर मोल के टर्म में लेते हो तो क्या निकल के आएगा? हाफ आर टी। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल के पास में? तो हाफ आर टी। ठीक है, हाफ आर टी। आर क्या है यहाँ पे आपका? आर क्या है? तो गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसी एनर्जी आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और किस तरीके की एनर्जी? अब पार्टिकल किस तरीके का, एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल किस तरीके का मोशन करेगा? ट्रांसलेशन मोशन करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, और अगर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज। अगर आपका नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर गया तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अगर इंक्रीज किया तो रेट भी क्या हो जाएगा आपका किसी रिएक्शन का? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर रेट बढ़ा दे अगर किसी रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें अन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टेम्परेचर बोथ
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट, एंड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन आर इंक्रीजेज, आर इंक्रीजेज। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, आपका रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। तो यहां पे आपका एक फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, किसी रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या अफेक्ट डालता है टेम्परेचर किसी रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट पे? यहाँ पे आपने देख लिया टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी और रेट तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, रेट भी बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा और रेट साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं आरहीनियस इक्वेशन की, अगर मैं बात करूं आरहीनियस इक्वेशन की, अभी आरहीनियस इक्वेशन हम बाद में बात करेंगे, हम अभी बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर को किस टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है किसी रेट कॉन्स्टेंट के लिए? तो इट इज रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट टू टेम्परेचर, एट टू टेम्परेचर, एट टू टेम्परेचर सेपरेटेड बाई, सेपरेटेड बाई 10 सेल्सियस यूजुअली, यूजुअली 25 सेल्सियस एंड 35 सेल्सियस। तो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो ये आपका जो टेम्परेचर कोफिशियंट रेट कॉन्स्टेंट के लिए जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है कैसे डिफाइन किया जाता है? तो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक रेशियो होता है, इट इज रेशियो किसका रेशियो, रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो। ठीक है, और रेट कॉन्स्टेंट की जो रेशियो है वह किस पे, एट टू टेम्परेचर सेपरेटेड बाय 10 सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैं कहूं यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है, तो इट इज ए रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विच आर सेपरेटेड बाय 10 सेल्सियस। तो अगर आप बात करोगे टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रिएक्स, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, तो आपको पता है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो किसके किसका रेशियो होता है? तो दो ऐसे टेम्परेचर पे रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो होता है जो एक दूसरे से कितना टेम्परेचर में डिफरेंस होता है उन दोनों रेट कॉन्स्टेंट का, तो 10 सेल्सियस का डिफरेंस होता है। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक रेशियो लिखना पड़ेगा रेट कॉन्स्टेंट के लिए। तो रेट कॉस्ट हर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट टेम्परेचर T+10 सेल्सियस, T+10 और डिवाइड बाई के टी। तो देखो एक क्या है, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर,
टेम्परेचर T+10, आप चाहे सेल्सियस मानो चाहे केल्विन मानो, ठीक है यहाँ पे केल्विन मान लो आप, केल्विन। और ये क्या है आपका, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर टी केल्विन। ए ऊपर वाला क्वांटिटी क्या है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी आपका रेट कॉन्स्टेंट तो किस टेम्परेचर T+ केल्विन पे है, और नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, तो रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर टी केल्विन है, ठीक है। और देख रहा हूं अगर मैं बात करूं ऊपर वाला जो रेट कॉन्स्टेंट है और नीचे वाला जो रेट कॉन्स्टेंट है, इन एक किस किस टेम्परेचर पे मेजर किया गया, तो ऊपर वाला जो रेट कॉन्स्टेंट मेजर किया गया वो है आपका T+10 केल्विन पे, और नीचे वाला जो रेट कॉन्स्टेंट मेजर किया गया है वो किस टेम्परेचर पे मेजर किया गया है, टी केल्विन पे मेजर किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये जो ऊपर वाला रेट कॉन्स्टेंट और जो नीचे वाला रेट कॉन्स्टेंट है इन दोनों में टेम्परेचर, अगर मैं बात करूं ऊपर वाला जो रेट कॉन्स्टेंट है और जो नीचे वाला रेट कॉन्स्टेंट है, ये दोनों रेट कॉन्स्टेंट जो है जिस टेम्परेचर पे मेजर किए गए हैं उन टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। अगर आप क्या करोगे, 10 T+10 केल्विन माइनस टी केल्विन, तो कितना आएगा 10 सेल्सियस, इसका 10 सेल्सियस या 10 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वह वहां पे आप सेल्सियस भी ले सकते हो और केल्विन भी ले सकते हो। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो 10 सेल्सियस पे 10 सेल्सियस का डिफरेंस है आपका टेम्परेचर का, और 10 अगर आप करते हो टेम्परेचर कोफिशियंट लिखते हो तो आप रेट कॉन्स्टेंट, तो उसके लिए क्या होगा आपका, तो दिस इज रेट कॉन्स्टेंट एट टू टेम्परेचर विच आर सेपरेटेड बाई 10 सेल्सियस, ठीक है। और खास करके जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो किस पे मेजर किया जाता है, तो टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट इजिकल टू टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, जनरली क्या लिया जाता है, रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर 35 सेल्सियस डिवाइड बाई रेट कॉन्स्टेंट एट 25 सेल्सियस, ठीक है। तो दिस इज टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है। और टेम्परेचर कोफिशियंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, इस टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू कितनी होती है, तो लगभग 2 से 3 के बीच की वैल्यू होती है, यानी इसका जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर कोफिशियंट का किसी भी रिएक्शन के लिए, देखा गया है कि अगर आप 10 सेल्सियस का 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हो उससे क्या होता है, जो का रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट होता है वह लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन बाई 10 सेल्सियस, अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर आप 10 सेल्सियस से बढ़ा देते हो, तो जनरली ये देखा जाता है कि रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज बाई 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है आपका रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू। अगर आपने किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन का टेम्परेचर आपने 10 सेल्सियस बढ़ा दिया, तो उससे क्या होता है कि जनरली ये देखा जाता है कि जो रेट कॉन्स्टेंट होता है वह लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर कोफिशियंट की जो वैल्यू होती है वह 2 से 3 के बीच में लाई करती है किसी भी रिएक्शन के लिए, जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो की कहां से कहां तक लाई करता है, 2 से 3 के बीच में लाई करता है। हम अगर बात करें अर्हीनियस इक्वेशन,
अरहीनियस, अरहीनियस इक्वेशन। तो अरहीनियस इक्वेशन क्या बताता है? तो अरहीनियस इक्वेशन इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप, इस्टेब्लिश्ड ए रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और रेट कॉन्स्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करता है आपका अरहीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो किस तरह अरहीनियस इक्वेशन क्या होता है? तो अरहीनियस इक्वेशन आपका होता है के इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दिस इज अरहीनियस इक्वेशन इन विच ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। स्मॉल सॉरी कैपिटल ई ए क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी आपका क्या है? ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे कैपिटल आर क्या है? तो गैस कॉन्स्टेंट। क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। टी क्या है आपका? टेम्परेचर। कैपिटल के क्या है? तो रेट कॉन्स्टेंट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे के मतलब रेट कॉन्स्टेंट, और इसमें देखो आपका जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है? किसी भी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वह फिक्स होता है। आर की वैल्यू भी फिक्स होती है क्योंकि इसकी वैल्यू ये क्या है आपका? गैस कॉन्स्टेंट है। क्या है? गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए क्या है आपका? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। या इसी को आप बोलते हो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, को एक और नाम से आप जानते हो, किस नाम से? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए क्या बताता है कि कितना कोलिजन हो रहा है इन 1 सेकेंड? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर टेल हाउ मच कोलिजन अकर्स इन पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना कोलिजन हो रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, इसको बताता कौन है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और वास्तव में जो रेट कॉन्स्टेंट होता है वो क्या बताता है? इट टेल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडर गो इफेक्टिव कोलिजन। ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताता है जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे अरहीनियस इक्वेशन की, जो कि क्या होता है? के इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, अगर दोनों साइड का हम क्या करें लॉग ले लें, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे? लॉग पहले ना लो, पहले आप एल एन लो, टेकिंग एल एन ऑफ बोथ साइड क्या बनेगा? एल एन के इजकल टू एल एन ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आपको पता है अगर एल एन ए इंटू बी है तो क्या बनता है? एल एन ए प्लस एल एन बी। सेम तरीके से अगर इसका आप लॉग ले एल एन लोगे तो क्या बनेगा? एल एन के इजकल टू एल एन ए प्लस एल एन ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आपको पता है एल एन का जो बेस होता है क्या होता है? ई होता है। यहाँ पे बेस क्या होगा? ई होगा। एल एन के इजकल टू एल एन ए, और यहाँ पे देखो आपको पता है कि एल एन ए पे पावर एम है, तो क्या आप किसे क्या लिखते हो? एम वाला जो क्वांटिटी होता है यहाँ पे
आपका आ जाता है, पहले आ जाता है तो क्या बनेगा, एम एल एन ए। सेम तरीके से क्या होगा यहाँ पे, जो ई माइनस ई ए पे पावर आर टी माइनस माइनस ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, ए वाला टर्म कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा एल एन के इजकल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे क्या आएगा एल एन, देखो एल एन का बेस क्या है ई है, और यहाँ पे टर्म क्या ई है, आपको पता है जब इसका बेस और जिसका एल एन लिया जा रहा है दोनों सेम हो जाए तो एक किस किस के इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन हो गया, ठीक है। तो क्या बना एल एन के इजकल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, ये बना आपका। अब इसी को अगर हम एल एन को लॉग बेस 10 में चेंज करें तो कैसे चेंज होगा, आपको पता है एल एन एक्स इजकल टू 2.303 लॉग एक्स, इसका बेस ई और इसका बेस 10। जब आप एल एन बेस ई माने लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हो तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। सेम तरीके से यहाँ पे अगर एल एन को लॉग बेस 10 में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, लॉग बेस 10 हो गया के हो गया, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करने का करना पड़ेगा 2.303, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 प्रीस्पोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। अगर इसको आप क्या करते हो दोनों साइड में, दोनों साइड में आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो 2.303, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका देखते हैं, देखो ए वाली क्वांटिटी कट जाएगी, क्या बनेगा लॉग बेस 10 रेट कॉन्स्टेंट इजकल टू, अब ए वाला क्या आ जाएगा 2.303 बाई 2.303 लॉग बेस 10 एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा 1/2.303 ई ए बाई आर टी, ठीक है, ये आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या फिर आगे चल के क्या होगा, तो लॉग बेस 10 रेट कॉन्स्टेंट इजकल टू ए वाली क्वांटिटी कट कैंसिल आउट हो गई, क्या बनेगा लॉग बेस 10 प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस 1/2.303 ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन, ये क्या है आरहीनियस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। ये लिखा इसी, ये जो आपका आरहीनियस इक्वेशन था के इजकल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसी को हमने क्या किया लॉग बेस 10 में चेंज कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ए आपका क्या है, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, और इक्वेशन आपका स्टार है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एक ग्राफ के, तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें किसी किसके बीच में, इफ यू वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन बिटवीन किसी किसके बीच में, तो लॉग के वर्सेस 1/t, 1/t, तो किस तरीके का ग्राफ ऑब्टेंड होगा, मान लो कि इस एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं 1/t को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉग बेस 10 रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम इस तरीके से हम एक ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ, एक एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ 1/t ले रहा हूँ टेम्परेचर का इनवर्स, और दूसरे वाले एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ तो लॉग के यानी लॉग रेट कॉन्स्टेंट को ले रहा हूँ। तो अगर ये देखो इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे किस इक्वेशन से, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे क्या आपका आ रहा है लॉग के ए वाला टर्म,
वाई एक्सिस पे हमने लॉग के को ड्रा किया है। अब एक्स क्या होगा, एक्स का काम कौन कर रहा है, तो 1/t, कौन काम कर रहा है, 1/t, एक्स की जगह क्या काम कर रहा है, 1/t, ठीक है, तो 1/t ले लिया। तो एम की वैल्यू, एम मतलब स्लोप, एम की मतलब स्लोप, तो स्लोप का काम कौन करेगा, तो ए वाला टर्म आपका स्लोप का काम करेगा, ए वाला टर्म क्या करेगा आपका स्लोप का काम करेगा, ठीक है। तो स्लोप, स्लोप कितना आएगा इस ग्राफ के लिए, स्लोप की क्या होगा, -ea/ -ea/2.303 r, ठीक है। और यहाँ पे सी का काम कौन कर रहा है, तो सी का काम आपका कर रहा है लॉग ए, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो निगेटिव में है, क्या है, निगेटिव, यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा टर्म आपका आ गया है स्लोप है, ये पूरा टर्म माइनस के साथ में, अगर आप बात करोगे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इक्वल टू -ea/2.303 r, ठीक है, स्लोप क्या निकल के आएगा, -ea/2.303 r, तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव में, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि स्लोप घट रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कैसे एक बनेगा ये एक, व्हाट इज दिस, ये जो इक्वेशन है किसके लिए इक्वेशन है, तो दिस इज इक्वेशन फॉर, दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन, यानी यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन के रूप में बनेगा, और जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे सी की वैल्यू, सी क्या है आपका इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, तो लॉग ए आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो कि ए वाला जो पॉइंट है ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 0 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो क्या है, लॉग ए है, क्या है, लॉग ए है, तो यहाँ से इंटरसेप्ट, आप इस एक्सिस पे एक ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, तो लॉग ए पे इंटरसेप्ट करेगा, तो यहाँ से मान लो आपका लॉग ए वाली जो वैल्यू है, ए वाली वैल्यू, ए वाला कौन सा पॉइंट है, तो लॉग ए है। अब स्लोप क्या है, निगेटिव में, निगेटिव का मतलब डिक्रीज करेगा इसका स्लोप, तो एक ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो एक ग्राफ इस तरीके से टेंड करेगा, एक लीनियर के फॉर्म, एक लाइन के रूप में एक ग्राफ आएगा जो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा, और ये स्लोप किस, स्लोप किसके इक्वल होगा, तो स्लोप आपका इक्वल होगा ea/2.303 r के इक्वल होगा इस ग्राफ का स्लोप, ठीक है। तो आपने ग्राफ बनाया किन के बीच में, तो लॉग के वर्सेस 1/t, और इस ग्राफ के लिए जो स्लोप आया वो क्या कितना आया है, ea/2.303 r, ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो लॉग ए के इक्वल आ रहा है, और ग्राफ जो ढलान है, जो स्लोप है वो कैसा है, निगेटिव है, इसीलिए क्या यहाँ पे जो लाइन बन रही थी, जो लीनियर इक्वेशन था, ये जो लाइन आपका था इस ग्राफ में, ये लाइन किधर की तरफ टेंड कर रही थी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ आ रही थी ये लाइन आपकी, क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप था वो क्या था, निगेटिव में था, अगर यही स्लोप पॉजिटिव में होता तो हम इस तरीके से ड्रा करते, इस तरीके से, मान लो अगर सपोज ए वाली वैल्यू पॉजिटिव में होती, ये वाला जो टर्म था आपका स्लोप, वो स्लोप पॉजिटिव में होता तो हम कैसे लिखते, यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट करता, वो इंटरसेप्ट कितने पे आता, किस पॉइंट पे आता, लॉग ए पे आता, और मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रा करता, इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता, यानी ये जो लाइन टेंड करती है किधर टेंड करती, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करती, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करती है, या लाइन आपकी स्लोप निगेटिव होने के कारण से क्या होगा, लाइन नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला आपका ग्राफ बनेगा, दिस इज ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस 1/t।
अगर हम बात करें, अभी आपने एक इक्वेशन ड्राइव किया था, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.3031/r d। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप बात करोगे एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 तो क्या निकल के आएगा? अगर टेम्परेचर T1 के लिए हम इस इक्वेशन को एट टेम्परेचर T1 इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर आप टेम्परेचर T1 पे बात कर रहे हो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? मान लो कि टेम्परेचर T1 पे जो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो कितनी कितनी है, K1 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लॉग K1 इजकल टू, देखो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होता है, चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.3031/r t1, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन मान लो आपका सेकेंड आया निकल करके। अगर आप बात करोगे एट टेम्परेचर T2, किसी अदर टेम्परेचर T2 पे आप बात करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट किस तरीके से लिखा जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा, लॉग, देखो टेम्परेचर T1 T2 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, सपोज दैट K2 है, क्या है, K2 है। टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 और टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट क्या है आपका, K2 है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू लॉग K2 इक्वल टू, ए वाली क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, 1 माइनस ई ए बाई 2.3031/r t 1/r। ओके, मान लो लेट अस कंसीडर ए आपका जो इक्वेशन मिला है वो क्या है, इक्वेशन थर्ड है। तो अगर आप बात कर रहे हो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से घटा देते हो तो क्या क्वांटिटी आएगी आपका, आएगा लॉग K1 माइनस लॉग K2 इजिकल टू क्या आएगा, लॉग ए माइनस ये वाली सारी चीजें वैल्यू उतार दो, 2.3031 T1 माइनस लॉग A माइनस, देखो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे इरेज कर, तो आप इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड को घटा रहे हो तो ए वाली आपका लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट लेफ्ट दोनों लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो लॉग क्या मिलेगा, लॉग K1 माइनस लॉग K2 इजकल टू इतना ए वाली क्वांटिटी माइनस आपका ए वाली क्वांटिटी, तो क्या आएगा, माइनस ई ए बाई 2.3031/r t2, ठीक है, ए वैल्यू आपकी आएगी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.3031 माइनस लॉग ए प्लस ई ए बाई 2.3031 r t2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या यहां से क्या निकल के आएगा, ई ए बाई 2.3031। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप आर भी नीचे वाला कांस्टेंट आर जो है, देखो यहाँ पे ई ए एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 और आर, ठीक है, ए वाली वैल्यू यहाँ पर भी है, इतना क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अगर ए वाली वैल्यू आप कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे,
ईए बाई 2.303 कैपिटल आर, यहां से क्या निकल के आएगा, 1/T2 - 1/T1, ठीक है। यहां से क्या है, लॉग K1 - लॉग K2। आपको पता है कि लॉग M - लॉग N इजकल टू क्या होता है, तो लॉग M/N होता है। तो सेम तरीके से लॉग K1 - लॉग K2 इजकल टू क्या होगा, लॉग K1 / K2 इजकल टू EA/2.303 कैपिटल आर 1/T2 - 1/T1, ठीक है, इतना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि अगर इसी क्वांटिटी को मैं क्या कर देता हूं, यहां पे माइनस कामा ले लेता हूं, तो अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर माइनस में कामा ले लेता हूं तो क्या पे क्या हो जाएगा आपका, 1/T1 - 1/T2। अभी माइनस जो टर्म है यहां पे आ जाएगा, यहां पे लिख दू, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ये माइनस में यहां पे लाता हूं, इजिकल टू लॉग K1 / K2। अब इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग K1 / K2 इजिकल टू EA/2.303 आर, यहाँ पे क्या, 1/T1 - 1/T2, ठीक है। यहां से क्या निकल के आएगा आपका, यहां से आपका निकल के आएगा, देखो लॉग M/N इजकल टू माइनस लॉग N/M आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जब ये वैल्यू आपकी, ये वाली जो वैल्यू आपकी लॉग से पहले, अगर ये वैल्यू यहाँ पे आप ट्रांसफर करते हो तो क्या निकल के आएगा, लॉग N/N/M, और 1 जो था आपका पावर में चला जाएगा, वो यानी क्या निकल के आएगा यहाँ पे, लॉग N/M का इनवर्स। और इसका मतलब क्या हुआ, लॉग अभी इनवर्स है ना, अब इसको आप अगर आप रिवर्स कर देते हो तो इस तरीके से हो जाएगा। अब N/N/M का इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा, N/M का रिवर्स, N/M का रिवर्स क्या होगा, M/N। तो सेम तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, लॉग देखो यहाँ पे 1 था, अब 1 को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा आपका, इनवर्स, 1 - 1 कहाँ चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। और इनवर्स का मतलब K1 / K2 का इनवर्स का मतलब हुआ K2 / K1 इजकल टू क्या निकल के आया, EA/2.303 आर 1/T1 - 1/T2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन। वेयर, यहाँ पे कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है, कौन कौन सी चीजें, कि जो K1 है, व्हाट इज K1, K1 इज रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1, और K2 क्या है आपका, तो रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, ठीक है। तो अगर आपको देखो ये जो इक्वेशन है, दिस इज वेरी यूजफुल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को निकालने का बहुत अच्छा आपका एक यहाँ पे आपका इक्वेशन आपको यहाँ पे मिला है। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको, अगर आपको देखो यहां पे ईए जो है आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, वाट इज ईए, ईए इज एक्टिवेशन एनर्जी,
अगर आपको पता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर T1 पे, इसका आपका रेट कांस्टेंट, आपकी वैल्यू आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है इतना है, तो अगर आपको किसी दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टेम्परेचर पहले क्या टेम्परेचर था आपको पता है, उस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या था आपको पता था। अब दूसरे टेम्परेचर पे आप जब रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाली क्वांटिटी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इक्वेशन में जनरली आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया होता है कि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लगाते हैं इसी पे, अर्हीनियस इक्वेशन पे,